अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हूँ आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। आज मैं आपके लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिसनल ऊद ऑयल का वीडियो जो एनसार ऊद की तरफ से है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही इजी टू वेयर, सिंपल और स्मूथ ऑयल है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा आर्टिसनल ऊद ऑयल को समझने के लिए। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये ऊद ऑयल का नाम है भूटान ब्लू और ये एक ऑर्गेनिक ऊद ऑयल है। ये 1 ग्राम की साइज़ का है और इसकी कॉस्ट है अराउंड 6,900। 1 ग्राम का इक्वल्स होता है 70 to 80 पाइप्स, यानी आप डेली भी अगर इसे यूज़ करोगे तो ये 2 से 2.5 महीने तक चलेगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये आर्टिसनल ऊद ऑयल्स के जो रेट्स इतने हाई क्यों होते हैं। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वहाँ पे एक रेड सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दो और साइड पे एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये आर्टिसनल ऊद ऑयल्स होते क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि ऊद या दैनल ऊद जो होता है, उनकी जो स्मेल होती है वो हमेशा एक फंकी सी, लेदरी सी, वुडी सी स्मेल होती है। तो आर्टिसनल ऊद ऑयल ऐसे बिल्कुल भी स्मेल नहीं करते। ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये जो आर्टिसन्स हैं अपने एग्रोवुड को मार्केट से बिल्कुल भी सोर्स नहीं करते और आर्टिसन्स अपने ऊद ऑयल्स पे पूरा ध्यान रखते हैं, हर एक डिटेल्स पे ध्यान रखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम हंटिंग इन द जंगल, जहाँ पे वो जाके वो एग्रोवुड्स को देखते हैं, सिलेक्टिंग द राइट चॉइस ऑफ एग्रोवुड फॉर डिस्टिलेशन, उसी में से वो बैच को सिलेक्ट करते हैं, जो टॉप क्वालिटी का जो वुड होता है, जो हाई क्वालिटी का वुड होता है, उसी में से वो डिस्टिलेशंस करते हैं। उनका डिस्टिलेशन टेक्निक भी बहुत ही अलग होता है। इनफैक्ट बहुत से टाइम जो पानी वो एग्रोवुड को सोक करने के लिए यूज़ होता है, वो भी अलग कंट्री से आता है, जिसके लिए वो परफेक्ट मिनरल बैलेंस मिले। और आर्टिसन उधर अपने एग्रोवुड का थ्रू अरोमा कैप्चर करते हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। उनका तरीका, उनका जो ऊद होता है वो हमेशा अनएडल्ट्रेटेड होता है, ऊद अनटच्ड होता है और मोस्ट रॉ फॉर्म में होता है और कम्प्लीटली नेचुरल प्रोफाइल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिसनल ऊद ऑयल जो होते हैं वो लिमिटेड ही रहते हैं दोस्तों, रेयर रहते हैं और आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है। इसी की वजह से इनके प्राइस इतने हाई होते हैं। एनसार ऊद उन कंपनीज में से हैं दोस्तों, ये सब करते हैं। वो अपने डिफरेंट वे ऑफ डिस्टिलेशन की वजह से फेमस है। एनसार उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने ऊद के थ्रू बताया है कि हर रीजन का ऊद कितना डिफरेंट स्मेल करता है, क्या की फैक्टर्स होते हैं जो ये ऊद को अलग स्मेल करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, भूटान ब्लू एक ऑर्गेनिक ऊद ऑयल है। तो ये जो ऑर्गेनिक ऊद ऑयल्स का डिस्टिलेशन होता है दोस्तों, वो भी एक कल्टीवेटेड एग्रोवुड से होता है, जो प्लांटेशन के थ्रू हार्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ऑर्गेनिक ऊद ऑयल्स में किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड्स या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते, और ये सारे ऑयल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। जो भी मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं फर्टिलाइजर्स, जो सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, पेड़ के एनहांसमेंट के लिए, वो भी सारे ऑर्गेनिकली होते हैं दोस्तों। बात करते हैं भूटान ब्लू की। ये एक नेक्स्ट लेवल का ऊद है। एनसार ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि इसमें 50% जो एग्रोवुड यूज़ हुआ है डिस्टिलेशन के लिए, वो वाइल्ड एग्रोवुड है। तो इसमें आपको एक बहुत ही डिलीशियस हनीबुश स्वीटनेस मिलती है, एक यूनिकनेस होती है जो वाइल्ड ऊद की है, जिससे आपको एक एकदम ईजी टू वेयर भी होता है जिस स्वीटनेस की वजह से, और आपको थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। और भूटान और कंबोडियन रीजन का ऊद है, जिससे आपको एक स्वीटनेस और एक फ्लावरी एकॉर्ड मिलता है। ओपनिंग में ये थोड़ा सी स्पाइसी और थोड़ा सी एनिमलिक होता है, बट जैसे 15 से 20 मिनट पास होते हैं, ये आपको एकदम स्वीटनेस में आ जाता है, जैसे कंबोडियन ऊद अपने वेयर किया है, और आपको एक बहुत ही अच्छा बेरीज का नोट देता है। ज़्यादा इंसेंस ही हो जाता है जब ये ड्राइडर में जाता है, ऐसा लगेगा कि आपने एक बहुत ही हाई क्वालिटी का एग्रोवुड जलाया है। इन शॉर्ट, आपको एक कंबोडियन ऊद का स्वीटनेस देगा और इंडियन ऊद का परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसमें कोई भी फंक नहीं है जो इंडियन ऊद में मिलता है। 6 to 7 hours तक ये इजीली लास्ट करता है। और आपको अगर मैं एक ट्रिक बताऊं, तो अगर आप अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज करोगे और उसके बाद कोई भी ऑयल अप्लाई करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये एक स्वीट, सिंपल और स्मूथ ऑयल है, साथ में इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स स्मेल भी मिलती है। और डेफिनेटली, अगर आप कोई सेफ और स्वीट आर्टिसनल ऊद ऑयल फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो तो आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और हमारे जो ऊद कलेक्टर्स हैं, जो कंसियर्ज हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही उमदा है दोस्तों। ऊद जो होता है वो ज़्यादातर मेंटल रिलैक्सेशन के लिए होता है, एक मूड एनहांसमेंट के लिए होता है। आपको इसे लगाने के बाद एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक मेंटली और स्पिरिचुअली आपको ये एंगेजमेंट में रखता है, उसका आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशबू फैलाते रहिए, और अपनी भाई की वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को
Take care, stay home and stay safe. Bye-bye.